को समेटने का तरीका है ये लो, और जो टॉगल वाला हिस्सा है उसकी तरफ से विपरीत हाथ है वो अंदर ले, ताकि टॉगल बीच में आ जाएगा। ये टॉगल है, इसको टॉगल लेते हैं, ठीक है। अब लो, हम दूसरा झंडा लगा देंगे नया, यहाँ तक ले आओ, सीधा 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 ले आओ, सीधा दे दो सर, और वापस लो पीछे, यहाँ तक ले आओ। अब इसको इस प्रकार से ऊंचा पकड़ो, क्योंकि डोरी वाला भाग बाहर रहेगा, और ऊंचा करके इसको अंदर की तरफ से समेटते जाओ। हाँ, थोड़ा टाइट पूरा, इसको दो तीन तरह के इसे समेटते हैं, कल दूसरा तरीका लेंगे, ठीक है। और इसको उल्टी दिशा में, इधर तो सीधा हो गया, इसको उल्टी दिशा में इसको लो, और चारे कंगुल नीचे, और डेढ़ आटा लगाओ। ये एक आटा हो गया, ये यहाँ से लिया था ये काटा, और ये डेढ़ आटा, और यहाँ पर इसको अंदर डाल दो। वैसे आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, आपको प्रैक्टिकल इसकी ट्रेनिंग देगी, और ये इसको थोड़ा टाइट कर लो, और इसको वापस बाहर निकाल लो, इतने रहना चाहिए कि अंदर नहीं फंस जाएगा, और ये खींचने पर खुल जाएगी। अब ये झंडा लगाने के लिए तैयार है। अब इसको यहाँ पर एक गांठ लगा दो, या तो इसका लूप बनता है, आइस प्ले जो स्काउटिंग में काम करा, अपना कब सेक्शन में होता नहीं है, इसलिए इसको इस क्ली अपने टॉगल के ऊपर इसकी एक साधारण गांठ लगा दो, ये दोहरा करके, और फिर इसको टाइट करो, अब ये नहीं खुलेगी। या तो ये कर दो, अगर ये भी करना नहीं आती है तो एक इस प्रकार से पहले से एक गांठ लगा दो, अपनी रीति गमे दे। हाँ देखो, ये साधारण सी एक गांठ इसके ऊपर लगा दो, ये इसी के अंदर इसको बाहर की तरफ निकालो, इसको अंदर से लेकर के बाहर की तरफ आना चाहिए किनारा, ये इसकी विशेषता है। देखो ये इसका फंदा है, वो बड़ी रस्सी की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। अब इसको थोड़ा टाइट करो, और इसको इसके अंदर डाल दो, और फिर इसको खींच दो, ओके, ये लग गई। अब जो सेकंड इसका जो रस्सी का है, ये इसकी डोरी का, वो इसके लंबी वाले जो शेष डोरी है ना, इसके ऊपर लगेगा, इसमें मोटी का लूप बना दो, ये लूप बन गया, और यहाँ पर सीट बैंड लगा दो, और चाहो तो डबल सीट बैंड, ताकि आपको पक्का विश्वास है कि अभी ये खुलेगी नहीं यहाँ से, भले कितने भी डोरी खींचेगी, तो कितनी हवा आए कुछ भी आए, तो ये गांठ नहीं खुलेगी, ठीक है ना ये। और इसको आगे पीछे सिरका दो टाइट, ये आपकी, ये डबल सीट बैंड। अब इसको क्या करो कि जितना हाथ ऊपर जाता है ना, कौन सा ऊपर जा रहा है, कहीं कहीं नहीं जाएगा, सुनो, अब जितना हाथ ऊपर जाता है उतना कर दो, और फिर अपना पैर के बीच से रस्सी नहीं आनी चाहिए, नहीं, और फिर इसको जल्दी से खींच दो, ठीक है। अब इसको थोड़ा ये ढीला कर दिया, खींचने का है इसलिए। अब इसको इस प्रकार से कोई बात नहीं, तो सही हो जाएगा, बढ़िया ही हो जाएगा। ये दो आटे इधर से, दो आटे इधर से लगा दिए, फिर यहाँ से दो आटे लगा दिए, फिर इधर इस भाग है ना, इसको इस प्रकार से करो, और अगर बच्चों को बताने हैं कब बालकों को, तो इस प्रकार से ये डोरी जो ढीली है उसको छोड़ दो, और फिर करो, ताकि बच्चा अपने आप ये डोरी खींचेगा अपने आप, नीचे वाले ये रह गई ऊपर, ये बच्चों के काम, ये अपने समझना की है, बच्चों को ऐसा करवाना है ताकि बच्चा भूले नहीं, बच्चा भूलेगा नहीं कि तुमको कौन सी डोरी आएगी भी नहीं, पहली चीज तो ये आएगी नहीं, और दूसरी चीज ये बीच में यही पकड़ेगा, थोड़ी ढीली रहेगी।